सूर्योदय हो चुका है, अब मैं सूर्य की शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों को निकाल दो, छोड़ दो उन्हें, वरना सब ठीक है, खतरा टल गया है, हम सब ठीक है। रुको, चलो अंदर, चलो मामा, चलो। हाँ, मैंने आपसे कहा था महारानी विक्राली, वो लड़का बहुत चालाक है, वो इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगा। भूलो नागिन, तुम कहाँ खड़ी हो, ये पाताल लोक है और मैं यहाँ की महारानी विक्रालिनी हूँ। मेरी दुनिया में किसी की चालाकी काम नहीं आती, महा अजगर का वार खाली नहीं जाएगा, मेरी युक्ति से वो लड़का बहुत जल्द फंसेगा। जरूर महारानी विक्रालिनी, आपकी काबिलियत पर मुझे और गुरुकाल दोनों को भरोसा है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, अभी की नेकी उसकी कमजोरी है, आप उसके किसी अपने को अपना मोहरा बना दीजिए और उसे इतना मजबूर कीजिए कि वो अभी खुद ब खुद यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा ही होगा नागिन। महाअजगर जाओ, सूरजपुर में ऐसी तबाही मचा दो कि अभी की चालाकी धरी रह जाए। बॉस, ये सब चिंटू पंडू की गलतियां, ना वो कल खेलने की जिद करते और ना ही हम जंगल में देर तक रुकते और ना ही वो मार कर उन्हें निकल जाता। उनके चक्कर में बेचारा सुनील भी तो फंस गया ना। मैं मानता हूँ कि चिंटू बिंटू फिर शरारती जरूर है, लेकिन वो देर के बने नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम उन्हें बचा कर ही रहेंगे। पर कैसे अभी, अगर उस महाजगर के बारे में कुछ पता चले तब ना। माया ये देख, इसमें लिखा है कि साउथ अमेरिका के अमेजोन जंगल की नदी में 20-25 लंबे लंबे एनाकोंडा मिले हैं। बॉस, वो एनाकोंडा नहीं था, वो तो महाजगर था, देखा नहीं कितना बड़ा था, और जमीन से निकल के जमीन में ही समा गया और जमीन पहले जैसी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना। हाँ माया, वो जमीन से निकलकर वापस गायब हो गया, इसके बारे में हमें इंटरनेट में कोई जानकारी नहीं मिलने वाली। तो फिर चले गए आर पांडे के पास। नहीं माया, ये कोई काला जादू भी नहीं है, हमारे पास समय बहुत कम है, इससे पहले कि वो हमारे और दोस्तों को एक एक करके निकल जाए, हमें किसी सांप या अजगर के जानकार के पास जाना होगा और वहाँ से उस बड़े महाजगर के बारे में जानकारी पानी होगी। चल माया। हाँ जी सरपंच जी, मैं और मेरे सिपाही हर संभव कोशिश कर रहे हैं, मैं और सैनिक भेज दूंगा। ठीक है, जीजा। बच्चे का है? आप जीजा जी, मुझे कौन कब कभी बता के गया है, लेकिन जहां तक मेरे भन्नाट दिमाग को घुमाने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चे जरूर उस सांप के पीछे गए। हे भगवान, बच्चे सांप के पीछे गए तो मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए? काश जीजा जी वो लोग मुझे भी साथ ले जाते उस सांप का सामना करने के लिए। आपको पता जीजा जी, भोपाल में मेरे नागी डांस की जो धूम थी कि असली सांप निकल के मेरे पैर पड़ते थे, और सबसे पहले मैं क्या करता था, उसकी भी टेक्निक होती, जीभ निकाल के
मैं जाऊँ क्या कर रहे हैं? ये कनेक्शन बन रहा है। फिश करने से क्या होता है, अपनापन पैदा होता है सांप और मेरे बीच में। उसके बाद अगर सांप बहरा है तो फिश की जरूरत है सिर्फ एक्सप्रेशन। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो एंड का टोटका बीन बजाओ। क्या नौटंकी है? नौटंकी? अरे मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, आपको नहीं पता। अरे मैं बिना बीन के भी अपने मुंह से बीन की ऐसी आवाज निकालता हूँ कि सांप तो सांप क्या, नागिन भी मेरे आके पैर पड़ती है। वो सांप नहीं अजगर है, वो तुम्हारी बीन पर नाचेगा नहीं, सीधा निकल लेगा तुम्हें। अरे जीजा मैं कोई पी जाऊं तो मुझे खा जाएगा। आपको नहीं पता उस अजगर की नली में आपका डुग्गू भोपाली ऐसा टेढ़ी चीज बनकर घुसेगा कि ना निगल पाएगा ना उगल पाएगा। डुग्गू भोपाली के जो कारनामे है ना, तुम्हारी बकवास के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सूरजपुर में 10-20 सिपाहियों की टुकड़ी भेजनी है। जाओ जाकर उनके बोल कर आओ कि जहां भी वो मां अजगर दिखे गोली मार दे। ठीक है, बोल देता हूँ उन्हें। नहीं रुको। क्यों? तुमसे बोल कर नहीं आओगे, उनके साथ सूरजपुर जाओगे। बड़ी टेढ़ी चीज हो ना तुम तो जाओ जाकर उस अजगर की नली में फंस जाओ। ठीक है, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। महाराज हमें आपसे बात करनी है, हमें आपसे बात करनी है महाराज। महाराज पूरा सूरजपुर डर के साए से जी रहा है महाराज। लोग काम के लिए घर से बाहर निकल नहीं पा रहे, कहां जाने कब वो विचित्र जीव हमला कर दे और कब किसकी मौत हो जाए। अब तो रोज रोज की मुसीबत से हम परेशान हो चुके हैं। अब तो सोच रहे कि सूरजपुर छोड़ के चला जाए। अब आपको क्या पता है महाराज, अब तो हद हो गई है। महाराज हमने तो अपने बच्चे को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया महाराज, कम से कम घर में रहेंगे तो जीवित तो रहेंगे महाराज। आपके बच्चे घर बैठे सुरक्षित है और हमारे बच्चे मौत के मुंह में हाथ डालने गए। अब हम क्या करें महाराज, बस आपके हुक्म का इंतजार है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इस समस्या का हल निकालूंगा। क्या आप लोग मेरे साथ चलेंगे? चलिए। बेटा हम तो एक सपेरा है, हमको अजगर और महाजगर के बारे में कुछ नहीं पता। सांप आपस में कुछ बात कर रहे और कह रहे कि उन्हें उस महाजगर के बारे में कुछ पता है। देखिए प्लीज मुझे आपकी टोकरी के सांपों को देखने दीजिए। अरे बेटा सांप तो सांप होता है, उसे क्या देखना। मुझे आपके रतननाग से बात करनी है। तुमको कैसे पता कि हमारे एक सांप का नाम रतननाग है? मैं जीव जंतुओं की भाषा समझ सकता हूँ। अब प्लीज मुझे आपके रतननाग से मिलवा दीजिए। यकीन है ये सब महाजगर के बारे में कुछ बता पाएगा? प्रणाम रतननाग जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मेरे पत्रों का जवाब देंगे? बताइए। रतननाग जी कुछ बोलिए, आप हमारी बातों का जवाब देंगे क्या? रतननाग जी मेरा नाम अभी है, मेरे दोस्त और सुरसुर के सारे लोग मुसीबत में, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आप हमें कुछ बताएंगे बोलिए। शुक्रिया रतननाग जी कि आप उनसे बात करने के लिए राजी हो गए। अब प्लीज हमें बताइए कि वो बहुत बड़ा महाजगर आता कहाँ से और जमीन में गायब कहाँ हो जाता है? माया रतननाथ जी कह रहे कि वो बहुत बड़ा महाजगर इस लोग का नहीं है, वो किसी और लोग की महारानी का गुलाम है और उस महारानी को कोई इंसान नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें खास पत्थर की जरूरत पड़ेगी। पत्थर? कैसा पत्थर? अभी
चंद्रनाथ जी कह रहे कि उसे एक छेद वाले शालीग्राम पत्थर से देखा जा सकता है। हमारे पास सबको बचाने के लिए सिर्फ 24 घंटे। अगर उतनी देर में जो छेद वाला शालीग्राम पत्थर नहीं लाया तो हम किसी को नहीं बचा पाएंगे। छेद वाला शालीग्राम पत्थर, अब वो हमें कहाँ मिलेगा? छेद वाला शालीग्राम पत्थर, अब वो हमें कहाँ मिलेगा? शालीग्राम पत्थर मैंने उत्तर दिशा में नदी के किनारे देखा था, मगर उस शालीग्राम पत्थर में छेद होगा ये नहीं पता। अगर तुम्हें मिल गया तो बेटा तुम लोगों का भाग्य अच्छा होगा। आपका धन्यवाद। चल माया। कुछ भी करके इसे खुले मैदान में लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहां सूर्य की शक्ति का इस्तेमाल करके इसे भस्म कर सकूं। हवा यार, ये तुम्हारा भांजा तुम्हें कुंवारा ही मरवा के छोड़ेगा। ये महाजगर तो तुम्हारी तरफ ही आ रही है। भूखू भोपाली मुर्दे की एक्टिंग कर लो। Go!
हमारे पास समय बहुत कम है। बेचारी राम प्यारी हो जाएगी। नहीं नहीं, भगवान करे हमारी जबान ना खुले। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों महाजगर आता कहां से और चला कहां जाता है। उसने तो पापा को भी खा लिया, जिंदा होंगे या फिर। अभी बॉस तो ऐसा मत सोच, हमारे दोस्त और अंकल जहां भी होंगे वो जिंदा होंगे। और कब तक माया वो हमारे लोगों को क्यों निकल रहा है, वो सूरजपुर को क्यों निशाना बना रहा है, उससे कोई करवा रहे कहीं गुरुकाल तो नहीं। अगर इसके पीछे गुरुकाल का हाथ होता ना तो अपनी गंदी शक्ल दिखाने जरूर आता। अभी प्लीज संभाल अपने आप को माया। पर मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है कि मैं ये बात मम्मी को कैसे बताऊंगा, वो पहले से ही बीमार है। ये बात सुन के उन्हें कुछ हो गया तो बस प्लीज ऐसा मत बोल, किसी को कुछ नहीं होगा क्योंकि हम सबको बचा लेंगे बॉस, हम रुद्र के रक्षक हैं। हमारी हमेशा परीक्षाएं होती है, हमें नई नई चुनौतियां मिलती है, हर बार की तरह हम इस बार भी जीत के दिखाएंगे। माया माया भाजकर से दो बार सामना हुआ और दोनों बार मैं हार गया। बॉस तुम छोटी सी लड़ाई हारे हो, युद्ध नहीं, फाइनल फैसला तो आप होगा। भूलो मत इस लड़ाई में